हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जनरली दो टाइप के स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। पहला रहता है ट्रेडिंग बेसिस, और सेकंड रहता है क्लोजिंग बेसिस। तो ट्रेडिंग बेसिस और स्टॉप लॉस क्या होता है और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है, ये हम पहले देखेंगे, और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर ट्रेडिंग बेसिस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कहाँ और किस तरह पे लगाना चाहिए, और वैसे अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है और वो उसे भी हमें कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट पे समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो जनरली पहले आपको बता दूं कि ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस यानी कि मान लीजिए दिन में स्टॉक ट्रेड करते करते अगर मेरे स्टॉप लॉस के प्राइस पे जाता है, उसे हिट करता है, तो मैं वहां पे लॉस बुक करके बाहर आऊंगा, तो उसे कहेंगे हम ट्रेडिंग बेसिस। मे बी उसकी क्लोजिंग ऊपर जाके हो सकती है, लेकिन दिन में जब भी ट्रेड होता रहेगा अगर वो मेरे स्टॉप लॉस के प्राइस पे आएगा तो मैं वहां पे लॉस बुक करके बाहर आऊंगा, तो उसे हम ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहते हैं। और क्लोजिंग बेसिस यानी कि जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, अगर दिन में मार्केट क्लोज होने के बाद उसके नीचे अगर उसकी क्लोजिंग होती है तो उसे हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है। अभी चार्ट के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर में भी अलग हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये BPCL का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी BPCL चार्ट का एनालिसिस हमने कल के ही दिन में किया था, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था BPCL के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि ये स्टॉक में आगे जाकर अच्छी तरह से मूवमेंट आ सकती है। वो रिस्पेक्टिव वीडियो में मैंने ये स्टॉक कहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा खाली स्टॉप लॉस के ऊपर है, तो हम स्टॉप लॉस पे ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या रहता है वो डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और हमें ये रिस्पेक्टिव चार्ट में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो देखेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यही चार्ट को मैं अभी 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, राइट।
तो जब भी मैंने 60 मिनट के चार्ट में इसे कन्वर्ट किया तो मेरे सामने एक जो भी कैंडल दिख रही है वो 60 मिनट की है, और ये टोटल ड्यूरेशन हमारा 30 डेज का है, यानी कि ये जो डैश्ड लाइन है वो हमारे डेज को डिफरेंशिएट कर रही है। तो टोटल हमारे यहाँ पे डेज बन जाते हैं 30 डेज। अभी दोस्तों मान लीजिए, अभी अगर आवरली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो आवरली चार्ट पे ये जो प्रीवियस डे था, या आप ऊपर डेट देख सकते हैं 25th of April 2019, ये डे को जो भी हमारी पहले आवर की कैंडल थी, ये आवर ने ही हमारे 50 SMA को ब्रेकआउट दिया था, ऊपर क्लोजिंग हुई थी, सुपर ट्रेंड भी हमारा नीचे था और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाते तो आप 2 दिन में देख सकते कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक चला गया। अभी मान लीजिए, मैं सिनेरियो पहले आपको बता दूंगा कि अगर हमें ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है तो किस तरह की सिचुएशन में लगाना चाहिए और वो कहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप आवरली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप आवरली कैंडलस्टिक इस्तेमाल करते हैं, और आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी रहने दो, और स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप आवरली चार्ट इस्तेमाल करते हैं, और आवरली चार्ट पे अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं, मान लीजिए ये आवरली कैंडल है हमारी, उसके ऊपर मान लीजिए 0.10% से ब्रेक होगा, तो आप अगर उसमें पोजीशन बनाते हैं, और ये सिचुएशन में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये कैंडल का लो जो भी है उसके थोड़ा नीचे, मान लीजिए इसका लो कितना है 347.60, तो इसके थोड़ा नीचे यानी 347 हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, 0.60% को हम छोड़ देते हैं, तो वहां पे अगर स्टॉक ट्रेडिंग बेसिस पे हिट करेगा तो हम स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आएंगे, यानी कि हम वहां पे लॉस बुक करके बाहर आएंगे, क्योंकि आवरली बेसिस पे जब भी ये ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हमने जो भी एनालिसिस किया था वो हमारा रॉन्ग एनालिसिस हो गया है, हमारा पैटर्न फेल्योर हो गया है, और स्टॉक ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया तो उसका मतलब ये हो जाता है कि फिर स्टॉक में और भी निचले साइड में मूवमेंट आ सकती है। तो जनरली अगर आप आवरली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, आपके जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ, और आवरली बेसिस पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको वो ट्रेडिंग बेसिस पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेडिंग बेसिस पे वो हिट होगा तो मैक्सिमम टाइम पे किस तरह से होता है कि वो और भी नीचे जाने की संभावना रहती है, तो वो स्टॉप लॉस बढ़ने की संभावना रहती है। यहाँ पे अगर आप क्लोज होने का इंतजार करेंगे तो कभी कभी वो बहुत सारे नीचे जाकर क्लोज होता है और लॉस हमें ज्यादा बियर करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आवरली कैंडल रहेगी और इसका लो अगर ट्रेडिंग बेसिस पे हिट होगा तो हमें लॉस बुक करना चाहिए, और ये हो गया ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस का। अभी मैं यही रिस्पेक्टिव स्टॉक को मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। अभी डेली चार्ट में जब भी मैं कन्वर्ट करूंगा तो डेली चार्ट में, अभी दोस्तों अभी डेली चार्ट में भी सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं, अलग मेथड रहेगी कि अलग मेथड रहेगी तो उसका सिचुएशन, उसका स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। अभी ये सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, तो एक इंडिकेशन दे रहा था कि उसके अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, उसके साथ ही उसने 50 SMA को ब्रेकआउट दिया था, सुपर ट्रेंड शिफ्ट हुआ था, वॉल्यूम भी बन गया था, ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। और अगर हम इसका लॉन्गर टर्म का सिनेरियो देखेंगे, यानी कि मैं इसको मंथली चार्ट या वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है कि स्टॉक अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम पे, जैसे कि हम बोलते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरह से ट्रेंडिंग में रहेगा ना, तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो हमारे लिए बेटर हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग बेसिस पे अगर हम देखेंगे, अभी मान लीजिए इसका लो था 357.80, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 357, यानी कि मान लीजिए अगर स्टॉक ये 357 के नीचे जाकर क्लोज होता है, कैंडल बेसिस पे क्लोज होता है, एक दिन की कैंडल इसके नीचे, 1 डे की कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज होती है, तो ही हम वहाँ पे लॉस बुक करके बाहर आएंगे, तब तक यहाँ पे हम रुक जाएंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ट्रेडिंग बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है लेकिन फाइनली क्लोजिंग के टाइम पे स्टॉक ऊपर आकर यहाँ पे क्लोज होता है, तो उस तरह की सिचुएशन में हम वहां पे लॉस बुक नहीं करेंगे। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग बेसिस पे नीचे जाता है तो जाने दो, अगर क्लोज इसके नीचे हो जाएगा तभी हम इसमें से लॉस बुक करके बाहर आएंगे। अगर मान लीजिए ट्रेडिंग बेसिस पे नीचे जाएगा और फाइनली क्लोज ऊपर होगा तो हम वहां पे लॉस बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसकी क्लोजिंग का इंतजार करेंगे, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो स्टॉप लॉस के नीचे जाकर क्लोज होता है तो ही हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे। तो इस तरह के सिनेरियो को हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहते हैं। तो जनरली अपट्रेंड में स्टॉक रहेगा, मोमेंटम में रहेगा, तो हमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर हम आवरली बेसिस की कैंडल इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो भी मुझे जितना भी मैंने चार्ट को देखा है, जितना भी मुझे समझ में आया है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसका जो भी मैंने आज डिस्कस किया है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर, ये ओपिनियन अलग भी हो सकता है।
तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।